इस समय रामनाथ कोविंद का पूरा परिवार यहाँ संसद भवन में मौजूद है, जो कि रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए यहाँ पर आया हुआ है। आप देख सकते हैं उनके भाई हैं। आप रामनाथ कोविंद जी के भाई हैं। आपको उम्मीद थी कि कभी वो इस पद पर पहुँच पाएंगे? नहीं 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 नहीं, दिस इज नाइन्थ वंडर आई थिंक सो। आप कहाँ से आए? मैं आया गुना, मैं गुना में रहता हूँ, गुना मध्य प्रदेश। क्या काम करते हैं? मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ, डिविजनल ऑफिसर था एक अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में। कितने परिवार के सदस्य आए कोले यहाँ पर? काफी लोग हैं, हमारी समय 20-25 से ज्यादा ही है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ज्यादा ही है। तो राष्ट्रपति भवन आपने इससे पहले कभी देखा था? देखा कई एक दफे, वो राज्यसभा मेंबर रहे तब भी आते जाते, देखा तो है। लेकिन अब वो राष्ट्रपति भवन में रहेंगे, ये जो फीलिंग है आपके मन में, वो किस तरह की गुदगुदी जगाती है? ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है भाई, और इसके बाद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है, क्योंकि सभी शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये तो उच्च सर्वोच्च पद है, तो ये तो फीलिंग क्यों नहीं है, स्वाभाविक है, बहुत अच्छे। रामनाथ कोविंद जब छोटे रहे होंगे और कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो उनके अंदर आपने क्या ऐसी बातें देखी थी उस समय, जो आपको लगता था कि एक दिन ये देश के सर्वोच्च पद पर भी पहुंच सकते हैं? उस समय कुछ नहीं देखा, तभी तो मैं कहा अनहोनी घटना घटता ही है, तो सवाल ही था। उस समय ऐसा कुछ नहीं था एक्सपेक्टेशन, पर उनका एक कुंडली वगैरह में राजयोग वगैरह ऐसा था, पहले से था, ब्रिलियंट थी, सब बातें थी, एक्टिव थी, सजग थी, और बहुत अच्छे शांत स्वभाव के रहे, शुरू से सरल सादगी पूर्ण जीवन रहा। हाँ, पर अब यहाँ तक वो सब एक नियति का खेल है भाई का पूरा, बाकी सब निमित्त चीजें हैं। नियति कहाँ व्यक्ति को पहुँचाती है, वो पहुँचाती है, उसमें उनका पहले जन्म का पूरा भाग और पूरा पूर्ण पार्वी और बुजुर्गों के आशीर्वाद, ये सब चीज़ें काउंटर बनती हैं। थैंक्स। तो आप देखिए यार, परिवार के और भी सदस्य हैं, आप भतीजे हैं रामनाथ कोविंद जी के, आप यहाँ पर केवल शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने आए या और भी राष्ट्रपति भवन भी देखने जाएंगे? राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे, वहाँ पे भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, क्या मामा से आज इनाम लेंगे क्या? आप मामा हैं आपके, तो आपको तो इनाम मिलेगा। इनाम दे ही दिया, इनाम तो मिल ही गया है ना, वैसे से बड़ा क्या मिले, है ना? से हम लोग भी राम हो गया सब। आप लोग कहाँ से आए? हम लखनऊ से आए हैं, हम उनकी बड़ी भाई की बेटी हैं, भतीजी हैं उनके, और बस। और आप? हम लोग कानपुर से आए, भांजी वो हैं उनकी, ये भांजी। शपथ ग्रहण के बाद कुछ खास दावत वावत का इंतजाम है क्या? वो तो होगा ही, उनका पकवान उनकी पसंद का बनवाएंगे। अब तो सब कुछ मिल गया, अब समझ लीजिए आप, सारा कुछ मिल गया, मतलब इतना बड़ा वो खुशी जो है वो समाये नहीं समझ है, और समय पूरा परिवार यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी का। आप क्या लगते हैं रामनाथ कोविंद जी? साला हूँ रामनाथ जी का, कोविंद साहब का साला हूँ मैं। आपका ओहदा तो सबसे ऊंचा हो गया सर, पूरे देश का ओहदा बहुत ऊंचा हो गया है। आपको ये सूचना कब मिली, जब अखबारों में टेलीविजन पे आ गया या उन्होंने खुद बताया था? न्यूज पे आने के बाद ही हमें पता चला था, मेरे किसी फ्रेंड को फोन आया था कि भाई मिठाई विठाई तैयार रखो, कोविंद साहब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो फिर मैंने सब जगह फोन वोन करना शुरू कर दिया। इट वॉज वेरी प्राउडफुल मोमेंट। मेरा नाम हरीश कोहली है, हरीश। आप क्या रिश्ते में लगते हैं रामनाथ कोविंद? सर, आई एम दी ब्रदर इन लॉ। अच्छा। मैडम इज दी साली ऑफ साहब। वही सांडू। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? मेरा विदेशी नाम है। आपका नाम क्या है? लाइनल विलियम डिसूजा। सर प्लीज। चलिए, तो ये रिश्तेदार हैं तमाम रामनाथ कोविंद जी के, जो कि यहाँ संसद भवन पहुँचे हैं शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने। तकरीबन 25 सदस्य हैं यहाँ पर, जो कि रामनाथ कोविंद के परिवार से यहाँ पहुँचे हुए हैं शपथ ग्रहण समारोह में, और तकरीबन 12:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। 45 मिनट तक ये कार्यक्रम चलेगा, और उसके बाद रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में सीधे पदभार ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति भवन रवाना हो जाएंगे। विकास भदौरिया, ABP News, दिल्ली।